जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। एसएसबी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी एवं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट की टीम के साथ हुई समन्वय बैठक, कई बिंदुओं पर चर्चा। मधुबनी जिला के जयनगर के बाजार समिति में स्थित 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के कार्यालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी एवं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में समन्वय बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में एसएसबी के जवान, जीआरपी, आरपीएफ, प्रथम संस्था, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के टीम ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमांडेंट संतोष निमोरिया एवं मंच संचालन ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक नरेंद्र सिंह ने किया। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक नरेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाओं एवं उनके संरक्षण के विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया। प्रशिक्षक अभिषेक चंद्रा एवं सबिता देवी ने पॉक्सो अधिनियम, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी अधिनियम के अंतर्गत सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया। साथ ही किस धारा के अंतर्गत किस केस को दर्ज करना है और क्या सजा का प्रावधान है वह भी बतलाया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था एसएसबी पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर बाल तस्करी मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया है, जिस पर हमारी संस्था लगातार कार्य कर रही है। वहीं इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट संतोष निमोरिया ने कहा कि ट्रैफिकिंग का नया नया मुद्दा सामने आ रही है जो आश्चर्यजनक है। इन सभी मुद्दों पर खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी एवं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के टीम को इस तरह के कार्य करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस संस्था के तरफ से प्रशांत कुमार, रूपम झा, चंचल कुमारी, जूही सिंह, स्नेहा कुमारी, मृदुला टंडन, प्रथम संस्था से राजीव रंजन सहित अन्य उपस्थित थे। देखिए इस रिपोर्ट को। पेपर जो सैंपल पेपर होता है उसके अंदर ब्लड स्टेन वगैरह लेके ड्राई करके आप दे सकते हैं, उसमें डीएनए ठीक ठाक निकल जाता है। तो डीएनए प्रिंटिंग वगैरह भी आजकल खूब सारी यूज कर रहे हैं इसमें, और काफी अच्छी हो गई है डीएनए टेक्निक्स वगैरह। इंडिया में प्रोसिक्यूशन रेट्स बहुत हाई है, एविडेंस आप यूज कर सकते हैं। और डिजिटल एविडेंस आजकल पता ही है सब, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह काफी रिलायबल है और आपको पता लगेगी काफी सारी चीजें। बट वो इन्वेस्टिगेशन फेज है जो पुलिस के ही पास है, तो हमें पुलिस को भी थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा इस मामले में। तो जब भी आप रहते हैं तो उनको थोड़ा सा अरेंज कराएं एफएसएल वगैरह के अथॉरिटी से। बाकी सेशन काफ़ी अट्रैक्टिव रहा, हमारे किसी कार्मिक का और कोई शख्स सवाल रह गया तो मैं 48वीं वाहिनी और हमारे सभी कार्मिकों की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अर्जित करता हूँ कि आप लोगों ने ये ज्ञानवर्धक सेशन हम लोगों के लिए यहाँ आयोजित किया, और उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी ऐसे ही सेशन हम लोगों के साथ में रखेंगे। इसके अलावा जब भी आप लोगों को जरूरत रहे कि हम लोगों के साथ में सेशन करने, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बीच बीच में सेशन आपके ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसके अलावा हमारी बॉर्डर कंपनीज भी हैं, आप वहाँ भी जाके जैसे मधुवापुर हो गया, गणगौर हो गया, तिकरौन हो गया, हरने, आप वहाँ पे भी जाके जहाँ प्रूफ हमारा एक्चुअल ड्यूटी कर रहा है, एक्चुअली उसकी समझ में आना चाहिए सही से कि क्या करना है, कैसे क्या प्रोसीड करना है, तो वो कॉन्फिडेंट होकर ड्यूटी करेगा और बेहतर से इसको हम लोग और डील कर लेंगे। तो आप लोगों का अगेन धन्यवाद, और इस सेशन के लिए स्पेशली अभिषेक चंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक्चुअली एसीजेएम साहब आने वाले थे, बट उनका कुछ व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कारणों के कारण नहीं आना हुआ, नहीं तो और सेशन हम लोग उम्मीद कर रहे थे प्रूफ होने की, फिर भी ठीक ठाक सेशन खत्म हुआ। तो मैं दोबारा से आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोग आए। थैंक यू। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा जो चल रहे हैं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन न्याय तक पहुंच कार्यक्रम, इनके द्वारा आज जयनगर में 48वीं सशस्त्र सीमा बल के साथ किया गया है, जिसमें अनेकों उपस्थित थे, जैसे आरपीएफ से, जीआरपी से, थाना से, और मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बताया गया है, और बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चे के साथ जो छेड़छाड़ होता है, ये सब के बारे में मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। क्या सब नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ सविता देवी, मैं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट संस्था से सीएसडब्ल्यू के पद पे कार्यरत हूँ। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।